हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज एरिक एंड आप देख रहे हो एरिक प्रोडक्ट। सो गाइस, आज मैं आपको बता रहा हूँ डाविंची रिजॉल्व के अंदर आप जो है वो पावर बीइंग किस तरीके से बना सकते हो। तो पावर बीइंग हम क्यों बनाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पावर बीइंग हम इसलिए बनाते हैं, जैसे कि मानो आप कोई ट्यूटोरियल एडिट कर रहे हो, या कोई एलिमेंट, या फिर लोगो, या कोई PNG फाइल है जो आप बार बार अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो, तो वो बार बार आपको इंपोर्ट करानी पड़ती है। तो वो बार बार इंपोर्ट आपको ना करानी पड़े, इसलिए हम बनाते हैं पावर बीइंग। जब आप पावर बीइंग में इसको परमानेंटली डाल दोगे, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट जब यूज़ करते हो, तो जो है आप पावर बीइंग की मदद से वो एलिमेंट निकाल कर और अपनी वीडियो पे लगा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डाविंची रिजॉल्व है। तो पावर बीइंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 डॉट्स है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है लाइक दिस, और यहाँ से आप देख पा रहे हो पावर बीइंग। ओके, तो जैसे आप क्लिक करोगे पावर बीइंग पर लाइक दिस, तो आपके यहाँ पर आप देख पा रहे हो पावर बीइंग का एक फोल्डर यहाँ पर बन जाता है, और ये है मास्टर, और इसके अंदर आप चाहो तो न्यू बीन बना सकते हो। तो मैं पावर बीन के अंदर मास्टर के अंदर एक न्यू बीन बना लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने एलिमेंट, ठीक है, मैंने एलिमेंट नाम से बना लिया। सो अभी क्या है, अभी इस एलिमेंट को मैं ओपन करूँगा, और यहाँ से मैं अपनी जो मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो मैं इसमें इम्पोर्ट करा दूँगा। जैसे मानो ये एलिमेंट है, बार बार मैं अपने लोगो वगैरह जो है वो यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसमें इम्पोर्ट करा दिया लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें इम्पोर्ट हो चुके हैं। सो अब क्या है, मैंने पावर बीइंग के अंदर ये डाल दिया, अभी क्या है ये परमानेंट जो है मेरे जो डाविंची में सेव हो गए। सो अब कोई भी मैं प्रोजेक्ट अगर मुझे माने लोगो यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर लगा के इस लोगो को अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो अब क्या है, जैसे मानो मैंने ये इंपोर्ट करा दी है, सो अभी मानो मैं इसको जो है क्वाइट करता हूँ लाइक दिस। सो अभी मैं मानो डाविंची पर कोई दूसरा प्रोजेक्ट अपना ओपन करता हूँ, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी पावर बीइंग दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ डाविंची रिजॉल्व, तो ये हुआ डाविंची रिजॉल्व ओपन। ओके, तो यहाँ से मानो मैं अपना कोई प्रोजेक्ट खोलता हूँ, मैंने मानो ये वाला प्रोजेक्ट को जो है वो ओपन कर दिया दिस लाइक दिस। ओके, सो अभी मानो मुझे यहाँ पर कोई अपना लोगो लगाना है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा पावर बीइंग का ऑप्शन, ठीक है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देता, तो आप यहाँ से शो इन और शो आउट कर सकते हो, जैसे आपको बताया। सो अब पावर बीइंग का मैं यहाँ पर अपनी जो मास्टर में जाता हूँ, मास्टर में जाकर एलिमेंट ओपन करता हूँ, तो आप देख पाते हो मेरे जो सारे जो एलिमेंट थे मैंने डाले थे, जैसे लोगो है मानो, तो इस लोगो को मैं उठा के अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ, तो अपनी वीडियो पर जो अपने लोगो को जो है वो लगा सकता हूँ लाइक दिस करके, जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि डाविंची रिजॉल्व पर जो है पावर बीइंग किस तरीके से बनानी है। तो कोई भी एलिमेंट वगैरह है वो आप परमानेंटली इसी में जो है वो सेव कर देते हो रिजॉल्व के अंदर ही, ताकि बार बार आपको जो है वो इंपोर्ट ना कराना पड़े, बार बार आप लेके आते हो, तो उससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से पावर बीइंग यूज़ करनी है। बहुत ही छोटी चीज़ थी, पर बहुत ही पावरफुल थी। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।